बिहार शरीफ के बबुर बन्ना स्थित शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को भव्य वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप महापौर प्रतिनिधि दानिश मलिक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक पंकज कुमार और प्राचार्य चंदन चौधरी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वार्षिकोत्सव समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि दानिश मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को संस्कारवान बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। जिस तरह ऑक्सीजन है जो हम लोग बीमारी में यूज करते हैं, उसी तरह जो शिक्षा है उसको हम लोग जो व्यापार बनाते हैं, जो इम्पोर्टेंस एक मशीन का होता है वही व्यापार का होता है। एक होता है नेचुरल ऑक्सीजन, उसे होता है एक रॉयल एडुकेशन। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हम जो अपने शहर में आए हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। कोई नहीं जानता इसमें से कौन सा बच्चा आईएएस बनेगा, कौन सा आईपीएस बनेगा, कौन सा एसडीओ बनेगा, कल को कोई रिक्रूट कर सकता है इसमें से, तो ये कोई प्रिडिफाइन नहीं कर सकता है। लेकिन एक अच्छे शिक्षक अगर ईमानदारी रूप से शिक्षा को व्यापार नहीं बनाए तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। क्या कार्यक्रम किया गया है, बच्चों में कितना उत्साह है? आज हमारे विद्यालय का एनुअल फंक्शन मनाया गया, विद्यार्थियों में बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है। और हमारा विद्यालय का नाम शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल है। स्कूल तो मार्केट में बहुत सारा स्कूल है, हर स्कूल वाला बोलते हैं हम इंग्लिश मीडियम, लेकिन मार्केट का 90% स्कूल में देखा गया है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं दे विल ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। और हमारे यहाँ जितनी एजुकेशन प्रणाली है जो नए एवं आधुनिक एवं उन्नत है, जो बच्चे को डेवलपमेंट में हमेशा आगे रहेगा। कार्यक्रम किया जा रहा है आज सर? हमारे स्कूल में सेकंड एनुअल फंक्शन मनाया गया है, जिसमें बच्चे हर फील्ड में आज पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं और सारे बच्चों में बहुत उत्साह है। ये बच्चे लोगों से बोलना चाहूँगा कि आज इंडिया इतना डेवलप कर चुका है, उनके पास हजार ऑप्शन है जहाँ पे वो अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए बच्चों को विशेष रूप पे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और हमारे जैसे लोग मार्गदर्शक की ज़रूरत है।